नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची में जेएमएम नेता समेत चार ठिकानों पर ईडी का छापा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने मंगलवार को रांची में चार ठिकानों पर दबिश दी है। सुबह 7 बजे एक साथ झामो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबार से जुड़े विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन के कई दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों की बरामदगी के बाद ईडी टीम देर शाम अंतु तिर्की और विपिन सिंह को अपने साथ रांची स्थित अपने जोनल कार्यालय ले गई। बता दें, ईडी की टीम अंतु तिर्की के बरियातू स्थित आवास, विपिन सिंह के टैगोर हिल स्थित फ्लैट, शेखर कुशवाहा के गाड़ी गाँव और प्रिय रंजन सहाय के कोकर आवास पहुँची। ईडी पूर्व में भी विपिन सिंह, शेखर कुशवाहा और प्रिय रंजन सहाय के ठिकानों पर सेना की जमीन घोटाले में छापेमारी कर चुकी है। देर शाम सभी ठिकानों पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई। छापेमारी के दौरान एक दर्जन से अधिक डिजिटल डिवाइस, भारी मात्रा में जमीन के कागजात, बैंक खाते ईडी ने जब्त किए हैं। महागठबंधन ने 12 लोकसभा सीटों पर तय किए उम्मीदवार। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार के नाम तय कर दिए हैं। रांची और जमशेदपुर में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस और झामो नेतृत्व फैसला नहीं ले सका है। अभी तक की संभावनाओं को देखकर यह बात कही जा रही है कि दोनों सीट पर नए चेहरे पर ही महागठबंधन दाव लगाएगा। दूसरी ओर भाजपा और आजसू गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बता दें, भाजपा के 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तो आजसू को एक सीट मिली है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में होने वाले उलगुलान न्याय रैली के बाद शेष बचे 2 सीटों पर उम्मीदवार के नामों की घोषणा होगी। हेमंत सोरेन की जमानत मामले में कोर्ट ने ईडी से एक हफ्ते में मांगा जवाब। ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत में ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। बता दें, हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में अपने आप को निर्दोष बताते हुए उन्होंने जमानत की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। ईडी ने बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी को देर रात मुख्यमंत्री आवास से पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार किया था। धन बल के उपयोग पर चुनाव आयोग का शिकंजा। झारखंड से 50 करोड़ जब्त। लोकसभा चुनाव में धन बल का दुरुपयोग रोकने तथा भयमुक्त, स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार अवैध नकदी, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की धरपकड़ की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित एजेंसियां इसमें पूरी तरह मुस्तैद होकर अपना काम कर रही है। पूरे देश में इस बार जहां रिकॉर्ड नकदी, शराब आदि की जब्त हुई है, वहीं झारखंड में भी अभी तक का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया है। बता दें, नकदी, शराब, ड्रग एवं मुफ्त उपहार की हुई जब्ती की कुल कीमत 51,83,58,300 आंकी गई है। यह जब्ती 44 दिनों में हुई है। चुनाव आयोग को विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अब तक 4.23 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसका उपयोग चुनाव में किया जाना था। इसी तरह भारी मात्रा में शराब, ड्रग एवं अन्य मादक प्राप्त तथा उपहार की वस्तु जब्त की गई है। यूपीएससी में जमशेदपुर के स्वाति को मिली 17वीं रैंक, बनी झारखंड टॉपर। यूपीएससी की परीक्षा में जमशेदपुर की बिटिया ने सफलता हासिल की है। कालिका नगर मानगोवासी पूर्व थल सैनिक संजय शर्मा की बेटी स्वाति शर्मा को अखिल भारतीय स्तर पर 17वीं रैंक हासिल की है। यह रैंक प्राप्त कर वह झारखंड टॉपर बनी है। बता दें, यूपीएससी की परीक्षा में 17वीं रैंक लाने वाली स्वाति शर्मा ने बताया है कि पिता सेना में थे, इसलिए आरंभिक पढ़ाई देश के कई हिस्सों में हुई है। स्वाति ने मैट्रिक की परीक्षा आर्मी सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से पास की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने जमशेदपुर के साक्षी स्थित टैगोर एकेडमी से पूरी की है। इसके बाद 2019 में उन्होंने बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया है। स्वाति शर्मा ने अपनी इस उपलब्धि में परिजनों एवं शिक्षकों का हाथ बताते हुए कहा कि उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई के लिए कोचिंग नहीं ली है। हाँ, इसके लिए 2022 में दिल्ली गई थी। वहां जाकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों का टेस्ट सीज लिया और वहां जहां भी साप्ताहिक टेस्ट होता था उसमें वह भाग लेती थी।
कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की अगली सीएम, चंपाई सोरेन ने क्लियर किया। गांडे उपचुनाव में अगर कल्पना सोरेन जीत दर्ज करती हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इस सवाल पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। फिलहाल इस विषय पर वह और कुछ नहीं बोलना चाहते। बता दें, सिंहभूम संसदीय सीट पर लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी को बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सिंहभूम सीट पर प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा, जोबा मांझी ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं जमशेदपुर संसदीय सीट पर एक दो दिनों में निर्णय लिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकला स्थित होटल गार्डन इन परिसर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कही है। फैमिली वोटिंग का संदेश देने वाली लघु फिल्म उड़ चली का लोकार्पण। इस बार राज्य में मतदान की अवधि पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक है। मतदान के दिन ड्यूटी करने वाले मतदाताओं और दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक वैसे मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन सभागार में कही है। इससे पहले लोकसभा निर्वाचन के विविध जागरूकता सामग्रियों लोकार्पण भी किया गया। इनमें फैमिली वोटिंग वाली एक लघु फिल्म भी शामिल है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग 40% से अधिक दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक वैसे मतदाता जो मतदान केंद्र जाने में सक्षम नहीं है, वैसे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए होम वोटिंग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, इसके लिए जागरूकता सामग्रियों का लोकार्पण किया गया है। यूपीएससी में गढ़वा डीसी की पुत्री को 89वां रैंक। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर की बेटी साक्षी जमुआर ने यूपीएससी परीक्षा में 89वां रैंक हासिल किया है। साक्षी जमुआर का यह तीसरा प्रयास था। वह साल 2021 से लगातार यूपीएससी की परीक्षा दे रही थी। पिछली 2 परीक्षाओं में उसे असफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में उसने ऑल ओवर इंडिया 89वां रैंक प्राप्त किया है। बता दें, साक्षी गढ़वा में ही उपायुक्त आवास पर अपने माता पिता के साथ रहती हैं। यूपीएससी के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद उपायुक्त शेखर जमुआर एवं साक्षी जमुआर को बधाई देने वालों का तांता लग गया। गढ़वा के प्रशासनिक पदाधिकारियों, कर्मियों एवं अन्य चाहने वालों ने उपायुक्त को फोन कर एवं मिलकर उनके पुत्री की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। पलामू में 10 एकड़ में लगी अरहर की फसल जलकर खाक। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के हैदरनगर थाना अंतर्गत कबरा कला गांव के 3 घरों में मंगलवार को अचानक आग लग गई है। आग लगने से घर में रखा अनाज, वस्त्र, पशु चारा समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। जिन लोगों के घरों में आग लगी उनमें राजेंद्र पाल, ललन पाल और पप्पू पाल का घर शामिल है। बता दें, भुक्तभोगियों के मुताबिक आग लगने से करीब 1 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के मोकहर कला गांव के किसानों के 10 एकड़ में लगी अरहर की फसल में भी आग लग गई है। आग लगने से पूरी फसल जलकर खाक हो गई है। जमशेदपुर में हाईवा चालक हत्याकांड में 7 गिरफ्तार। पुलिस ने हाईवा चालक हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें प्रवीण सिंह उर्फ छोटू शामिल हैं। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो, 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 11 राउंड जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुई है। यह जानकारी मंगलवार को SSP किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में दी है। SSP ने बताया कि 14 अप्रैल को उलीडी थाना अंतर्गत वसुंधरा एस्टेट्स के समीप हुए चालक सन्नी यादव हत्याकांड में 7 शामिल थे। घटना के बाद सिटी SP के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। कल्पना सोरेन ने की गिरिडीह के छुटकी दुर्गा मंदिर में पूजा। गांडे उपचुनाव की इंडी गठबंधन के उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने छुटकी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की है। नवरात्र के अष्टमी पूजा के दिन मंगलवार को माँ दुर्गे के अष्टम स्वरूपा की पूजा धूमधाम से की गई। गांडे विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शहर के गांधी चौक के छुटकी दुर्गा मंडप पहुंची। यहां कल्पना सोरेन ने मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही पूजा अर्चना की है। मां को चुनरी अर्पित किया और भोग लगाया। इसके बाद कल्पना सोरेन शहर के बड़ा चौक पास स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर में पुजारी ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कराई है। भाजपा नेता ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पार्टी ने पद से हटाया। भाजपा के मनातू मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। नाबालिग लड़की महुआ चुनकर अपने घर जा रही थी, इसी क्रम में मंडल अध्यक्ष उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया और फिर उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए हैं।
साथ ही परिवार को मामले उजागर नहीं करने की चेतावनी दी। हालांकि इसके बाद भी पीड़िता और उसके माता पिता ने मनातू थाने में भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गांव स्तर पर बैठक कर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि घटना के बाद से आरोपी मंडल अध्यक्ष फरार चल रहा है। घटना दो दिन पहले की है। मंगलवार को पीड़िता की मेडिकल जाँच MRMCH में कराई गई है। गिरिडीह में प्रशासन अलर्ट, रामनवमी को लेकर फ्लैग मार्च। रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाली जा रही है और हर चौक चौराहे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिले के सभी थाना में शांति समिति की बैठक कर लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। बता दें इसी क्रम में गिरिडीह नगर थाना से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, मौलाना आजाद चौक, BBC रोड, आजाद नगर, कालीबाड़ी, मक्तपुर एवं टावर चौक होते हुए वापस बड़ा चौक पहुंची है। आज दोपहर 2 बजे से नहीं रहेगी बिजली। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर रांची शहर में बुधवार दोपहर 2 बजे से बिजली बंद रहेगी, जबकि अन्य इलाकों में शोभा यात्रा के आरंभ होते ही सभी सब स्टेशन फीडरों से बिजली बंद कर दी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ऐसा सुरक्षात्मक कार्यों से किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान बिजली संबंधी किसी प्रकार की शिकायत व आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक PK श्रीवास्तव के द्वारा सभी डिवीजन के बिजली कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। पूरे शहर में जिला प्रशासन के साथ आपसी तालमेल व निर्देश के आधार पर बिजली बंद रखने जाने की योजना बनाई गई है। हजारीबाग के महुदी में प्रशासन के साथ झड़प। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के महुदी गांव में मंगलवार को रामनवमी का अष्टमी जुलूस विवादित मार्ग से निकालने का प्रयास किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जुलूस मार्ग में जाने से रोक दिया। इस पर जुलूस में शामिल लोग उग्र होकर हंगामा करने के बाद पथराव करने लगे। पथराव से SDPO, BDO व CO समेत 4 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। CO बलेश्वर राम के चालक विजय कुमार को चोट लगी है। वहां रखे पुआल में उग्र लोगों ने आग लगा दी है। अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पा लिया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा है। वहीं DC नैसी सहाय, SP अरविंद कुमार सिंह भी घटनास्थल पहुंचे, स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद।